तो भाई अपने अनुज भाई मिल गए हैं इधर नागदा में, वो रहा अपना सामने ट्रक। भाई देख लो शरेआम यहाँ लूटते हैं भाई, ये देख लो गाइस। वेलकम बैक टू द चैनल जेके 12 वाले वीर। सब भाई जैसा कि आपको पता है अभी हम महाराष्ट्र में आगे हुए हैं, तो अभी जलगांव के पास में पहुंचने वाले हैं, जहाँ से चोपड़ा के लिए घूम जाएंगे अभी नेरी। पिछला व्लॉग यहीं एंड किया पीछे ही, तो अभी टाइम हो गया सुबह के 6 बज गए और अभी निकलते हैं आस्ते आस्ते अपना सफ़र को कंटिन्यू रखते हुए, तो ज़्यादा टाइम जाया ना करते हुए व्लॉग को रखते हैं स्टार्ट। और आज हम पहुंच जाएंगे भाई अपना, आज हम एमपी में एंटर कर देंगे। चलो रखते हैं कंटिन्यू सफ़र। यहाँ से भाई हम घूम रहे हैं अपना इधर के लिए, अपना चोपड़ा के लिए, चोपड़ा जलगांव। यहाँ से जलगांव 20 किलोमीटर रह गया, तो हम इधर को आगे टर्न मार के अब ये चोपड़ा रोड पे। चलो भाई चलते हैं। अब सुबह हो रही है भाई, आस्ते आस्ते देख लो सूरज अभी चढ़ने वाला है, और अभी हम पहुंचने वाले हैं इरंडोल। चोपड़ा रह गया यहाँ से 60 किलोमीटर, फिर वहां से आगे शेरपुर आएगा हमारे को। अब गाड़ियां चलना स्टार्ट हो गई, पहले रात को बहुत कम गाड़ियां थी, आज हमने रिक्स ले लिया रात को फिर उधर भीड़ से। लेकिन जाती बार पड़ता है ना, घाट चढ़ना पड़ता है चढ़ाई, तो इसलिए उस दिन तरपाल हमारी कट गई है। जो खराब रास्ता पड़ता बीच में जैसे थोड़ा सा, वो यही वाला रास्ता है भाई, आगे एक फाटक आएगा और उसके पास एक थोड़ा सा पुल भी आएगा, बस ये वाला थोड़ा सा कच्चा रास्ता है, काम चल रहा है इसका। आगे से हमने लेफ्ट साइड को घूम जाएंगे। पहुंच आए हैं भाई महाराष्ट्र बॉर्डर पे, अब महाराष्ट्र को भी बाय बाय करने का टाइम आ गया है, तो कुछ इस तरह की जगह। तो भाई अभी हम पहुंचने वाले हैं सिंधवा। महाराष्ट्र हमने बाय बाय कर दिया, अभी पीछे बॉर्डर पार किया था, अभी ये वाला घाट आ गया, ये पता नहीं इस घाट का क्या नाम है, सिंधवा से पहले ही है। तो अभी इंदौर रह गया 174 किलोमीटर, आगरा 810, शिवपुरी 570। ऊपर देख लो भाई घाट, चढ़ रहे हैं ट्रक आस्ते आस्ते। तो भाई पहुंच आए हैं अभी उस नदी में, क्या नाम है इसका बोलते थे कुछ यार, उधर भी आती है गुजरात में ये नदी, भरूच के पास में, क्या नाम है, हाँ नर्मदा नदी। भाई नर्मदा नदी में इसका पानी बोलते हैं उल्टा चलता है, पता नहीं समझ नहीं, ऐसा ही बोलते हैं बोलने वाले। तो उस नदी में हम पहुंच आए, बस वाले की स्पीड नीचे देख लो भाई, नदी नर्मदा रिवर, ये ऊंट की सवारी कर रहे हैं। आप पहुंचे हैं भाई गुजरी घाट, इससे आगे आएगा मानपुर, वहां पे खाना छाना खाएंगे भाई, भूख भी बहुत जोर की लगी है, चढ़ाई में चल रहे हैं आस्ते आस्ते, क्या करें, भूख लगी नहीं,
आज पेट आज बहुत भयंकर भूख लगती भाई। मैं तो सोच रहा हूँ कहीं होटल मिले, मतलब पीछे भी दो तीन जगह रुके पर होटल नहीं, वैसा होटल ही नहीं मिला यार, वैष्णो होटल कोई मिला ही नहीं। तो चलो अभी चढ़ रहे हैं भाई, ये देख लो इस चढ़ाई में ना गाड़ियाँ बड़ी आराम से चढ़ानी पड़ती है। आ दिया यहाँ पे गाड़ियाँ बिल्कुल आराम से चढ़ती हैं भाई ने। पे चढ़ाई का उधर से चढ़ेंगे तो फिर थोड़ा प्लेन आ जाएगा। तो भाई फाइनली आ गए हैं लिबर्ट बाईपास खत्म करके और अब सीधा अपना बिलवाड़ा चित्तौड़ वाला रोड पे सीधा जा आ रहे हैं। तो यहाँ से ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर होगा नीमच। गर्मी थोड़ा थोड़ा गर्मी भी है, जब ज़्यादा गर्मी होती है ना इधर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आजकल तो चलो मौसम भी थोड़ा ठीक ही है। तो भाई अभी हम पहुँचे हैं इधर नागदा में, तो ये रहा अपना ट्रक भाई खड़ा और फिलहाल यहाँ पे अपने अनुज भाई की गाड़ी है। भाई अनुज भाई जा रहा है बेंगलोर के लिए। ये वाला ट्रक भाई और ठीक ठाक बढ़िया। नहीं नहीं ये हमारा। अच्छा आपका ये है, किधर जा रहे हैं? हम ये इधर मलकापुर जा रहे हैं। मलकापुर, चलो भाई ठीक है। तो भाई अपने अनुज भाई मिल गए हैं इधर नागदा में। वो रहा अपना सामने ट्रक, भाई ने नई गाड़ी ली। मैं चल मुबारकें देखे हूँ भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको नई गाड़ी के लिए। थैंक यू, बस चलनी चाहिए ये दोनों गाड़ियाँ भाई, दो तीन गाड़ियाँ हैं भाई कि साथ में ही चल रहे हैं। राजेश भी है और ये इसको राजेश चला रहा है, इस चक्कर चला रहे हैं पवन में चलाएगा क्या। चलो ठीक है भाई, तो हम जा ही रहे थे तो भाई भी यहाँ खड़े थे। मैं चलो यार दो पाँच दस मिनट बंदा मिलता है मुलाकात कर ले, फोन पे होते रहती है। हमको भी टाइम मंडी का ही है फिलहाल, चलो अभी टाइम है पहुंच जाएंगे आराम से। नहीं आराम से पहुंच जाएंगे। ग्रीस फ्रीज वगैरह भाई करवा रहे थे यहाँ रुके हुए थे तो हमने वो उधर लगाई गाड़ी अपना। चलो ठीक है फिर मिलते हैं। अनुज भाई को मिलने के बाद अभी हम वहाँ से निकल आए हैं। भाई के साथ तीन चार गाड़ियाँ थी यार, ऐसा काश हमारे साथ भी होता, तीन तीन दो तीन गाड़ियाँ ना, फिर तो चोरी भी नहीं हो सकती। जाती बारी हमारा तरपाल कटा तो उसका दुख लगता है यार। 15-16 हज़ार का तरपाल था, जो ऊपर वाला कपड़े वाला तरपाल है ना, बहुत महंगा है, एसी कंपनी का तरपाल था यार, कट गया। चलो इसको सिलवा लेंगे पंजाब में जाके। लेकिन अभी फ़िलहाल हम पहुंचने वाले हैं रतलाम। यहाँ से कितना किलोमीटर है, रतलाम के आसपास पहुंचने वाले हैं। तो चलो चलते हैं आगे। हमारे गाड़ी जा रही है रील है, रील लोड है उसमें रील। ये गाड़ी में जो ये माल है ना, ये रिक्स वाला माल है भाई ये वाला, क्योंकि इस माल में ना बंदे को टेंशन ही रहती है, कभी इधर घूम गया तो बॉडी पूरी खुल जाए, मतलब बहुत डेंजरस माल है ये। दोनों गाड़ियों में यही लोड है। चलो 16 टायर की गाड़ी है भाई, 35 टन का होगा ये, एक 35 टन में तो जो पूरा ट्रक का लोड है, एक ये जा रही है भाई। ये दोनों गाड़ियाँ एक साथ में ही हैं। तो अभी भाई रतलाम किया हमने क्रॉस, तो ये वन वे रोड है, इधर साइड के काम कम चल रहा होगा इसलिए वन वे ट्रैफिक है यहाँ से। भाई पहुंच आए हैं मानसौर के पास, पहुंचने वाले हैं मानसौर, रह गए यहाँ से 10-15 किलोमीटर और अपना चित्तौड़गढ़ यहाँ से रह गया है 130 किलोमीटर।
चल रहे हैं भाई कंटिन्यू, सुबह से कंटिन्यू एक जगह खाना खाया था बस, उसके बाद कंटिन्यू ही सफ़र है अपना। आगे कहीं रुकेंगे, चाय वगैरह पियेंगे, थोड़ा शीशे वगैरह भी थोड़े गंदे हो गए हैं, और अपना फिर चलते रहेंगे भाई। मंडी टाइम अपना बहुत ही फिक्स है, अब नज़दीक आस्ते आस्ते आधा आधा सफ़र तो कर दिया, आधा प्लस कर दिया हमने, 1635 किलोमीटर आ गए हैं, मान लो अब 1400 कुछ किलोमीटर है। तो चलो अब कोशिश तो जारी है, करेंगे भाई आस्ते आस्ते। चल रहे हैं भाई, अपना कंटिन्यू सफ़र है, और पहुंचने वाले हैं नीमच, वहाँ पे जम्मू वाले ढाबे पे वहाँ रुकेंगे, चाय शाय वगैरह पियेंगे, तो फिर खाना कहीं भिलवाड़े के आसपास में खाएंगे, चित्तौड़ साइड में जाके। तो अभी जम्मू वाले होटल में रुकेंगे जाके, 10-15 किलोमीटर रह गया बस, वहाँ रुकेंगे, चाय शाय पी लेंगे वहाँ पे, कंच भी साफ कर लेंगे, थोड़ा छींटे पड़ जाते हैं ना, हमने नारियल पिया था, उसका वो काटा उसके उड़ के छींटे पड़ जाते हैं शीशे पे, तो उधर भी देखो उस साइड वाले शीशे पे तो ज़्यादा पड़ गए। तो चलो भाई, अभी लाइट लग रही है तो व्यू अच्छा नहीं आ रहा है भाई, तो उसके लिए दिल से सॉरी। तो भाई अपना नीमच के पास में पहुंचने वाले हैं, बस अपना सफ़र कंटिन्यू ही है, और आज की डेट में हमने 700 किलोमीटर प्लस सफ़र कर दिया अभी तक, तो उम्मीद है कि 12 बजे तक हम 150 किलोमीटर और कर देंगे। अभी टाइम हो गया है 9, तो मान लो 120-130 में हो गया, तब भी मान लो 800 प्लस 850 के आसपास किलोमीटर पर डे सफ़र हो रहा है अपना। ऐसा नहीं है यार, मतलब छोटा डेयरी गाड़ी है, हम कितना ही दौड़ाएंगे, 60 की स्पीड कंटिन्यू चल रहे हैं, पर रुके नहीं है भाई। पीछे आज हमारा सफ़र ज़्यादा हो जाना था, असल में हमारा साथ क्या हो गया, आज फोकट वो उधर जो रोड था ना, वो क्या बोलते हैं चोपड़ा साइड में, उधर थोड़ा रोड ख़राब था, इसलिए डैम टूट गया वहाँ पे भी, फिर उसके बाद बॉर्डर में आके टूट गया डैम, बॉर्डर में महाराष्ट्र बॉर्डर में, उसके बाद एक वो घाट है जो अपना सिंधवा से जो पहले घाट पड़ता है, वहाँ भी गाड़ी ख़राब थी, वहाँ भी डैम लग गया, इसलिए। तो अभी चल रहे हैं भाई नीमच के पास, एमपी को आज बाय बाय कर देंगे, तो एमपी वालों बाय बाय का टाइम आ गया है एमपी वालों का भी। चलो भाई, भाई कई भाई मैसेज करते रहते हैं यार भाई मिल के जाना, तो ऐसा भाई अभी रात का टाइम है, लेट भी हो रहे हैं, तो चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट में मिलेंगे कभी, आते रहते हैं भाई, हमारा ये रूट है। चलो फिर जैदे ने नींद वगैरह फुल कर ली हुई है, चार्ज हो गया हुआ है अभी, तो कहीं खाना शाना खाएंगे भाई, तो फिर वहाँ खाना वगैरह खा के फिर चलो, थोड़ा रेस्ट भी जरूरी है। मेरे को तो सुबह से ये कमर है ना, इधर दर्द शुरू हो गया अभी, पता नहीं क्योंकि बंदा लगातार बैठा रहे ना एक जगह, तो हो जाता है ऐसा सीन कभी कभी। तो भाई आप पहुँचे हैं इधर जम्मू वाले होटल पे, ये रहा सामने भाई होटल, तो ये रहा अपना ट्रक, खाना वगैरह खाते हैं भाई, भूख भी बहुत लगी है, तो अभी खाना वगैरह खा लेते हैं। टाइम से शाम के 10 बजने वाले हैं। तो भाई अभी आप पहुंचे हैं लाडनू में, तो जही चला रहा था गाड़ी रात को, मैं सो गया था आराम से, मतलब वहाँ खाना शाना खाया था उधर ही नीमच में, वहाँ से फिर जही चला था, तो अभी यहाँ पहुंचे सुबह के 7 बजने वाले हैं, तो 7 बज गए, पहुंचे लाडनू, चाय शाय वगैरह पिया, तो ये ब्लॉग अब जयदस हो गया है, ये ब्लॉग को करते हैं यही पे एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।
सूरज भी देख लो अभी निकल रहा है। ड्राइवर की जिंदगी में क्या होता है यार, रात आती है सूरज निकलता है, लोग आराम से घर में सोते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।